नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। कार्यों की अधिकता के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम एक नए विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के तीन प्रमुख स्कंध हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत का भी एक प्रमुख स्कंध है जिसको हम मुहूर्त शास्त्र के नाम से जानते हैं, और यह मुहूर्त शास्त्र हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं दैनिक जीवन की, वह किसी न किसी समय विशेष से ही संबंध होती है। अतः यह मुहूर्त शास्त्र हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र की जब हम बात करें तो मुहूर्त शब्द की व्याख्या जब हम करते हैं तो उसके तीन प्रमुख अर्थ हमारे शास्त्रों में दृष्टिगोचर होते हैं। पहला अर्थ तो यह होता है कि काल शुभ क्रिया योग्य मुहूर्त, अर्थात किसी भी कर्म के, वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उसकी सिद्धि हेतु जो काल का चयन किया जाता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि, जो काल के जो सूक्ष्मतम अवयव हैं और जो दीर्घतम अवयव हैं, उन सबका जब संशोधन करने के पश्चात एक शुद्ध समय निकाला जाता है तो उसी को हम मुहूर्त कहते हैं, और यह मुहूर्त बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो यह हुआ प्रथम मुहूर्त का अर्थ। द्वितीय अर्थ होता है कि दिनस्य यह पंचदशो विभागः रात्रिस्तथा तद्धि मुहूर्तमानम्, अर्थात दिन का जो 15वां खंड होता है और रात्रि का जो 15वां खंड होता है वह एक मुहूर्त संज्ञक है। यह इसको नक्षत्र कालांश से भी जानते हैं। दिन में 15 हमारे मुहूर्त होते हैं जो नक्षत्रों के कालांश के द्योतक होते हैं, और रात्रि में भी 15 मुहूर्त होते हैं जो नक्षत्रों के कालांश के द्योतक होते हैं। इन सभी के विषय में हम फिर कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में केवल यही जानना अभिष्ट है कि मुहूर्त का जो समय होता है वह 2 घटी का होता है, अर्थात 48 मिनट का हम कहें तो एक मुहूर्त का जो समय होता है वह होता है 48 मिनट, अर्थात 2 घटी। 1 घटी बराबर 24 मिनट, और 48 मिनट मतलब 2 घटी और 1 मुहूर्त। तो इस प्रकार से दिन में 15 मुहूर्त और रात्रि में 15 मुहूर्त, तो 60 घटी का हमारा अहोरात्र होता है, जिसमें 30 हमारे जो होते हैं मुहूर्त होते हैं। तो यह होता है दूसरा अर्थ मुहूर्त का, जो काल को एक समय में परिभाषित कर देता है सूक्ष्मतम इकाई में। तीसरा अर्थ जो आचार्यों ने किया है उसका अर्थ होता है क्षण मात्र, मतलब कोई ऐसा काल जो तुरंत उत्पन्न हो और तुरंत समाप्त हो जाए तो उसको भी मुहूर्त शब्द से जानना चाहिए। तो दो जो प्रारंभ के अर्थ हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतिपादित किए जाते हैं ज्योतिष शास्त्रों में। तो यह मुहूर्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्तम स्थान रखता है। तो इसी मुहूर्त के विषय को लेकर के हम आज उपस्थित हुए हैं। जो मुहूर्त शास्त्र है उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योगों और करणों का एक जब विशिष्ट समायोजन होता है तो एक नए योग की उत्पत्ति होती है, और वह कार्य की सिद्धि के लिए अनेक रूप से वह सहायक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में से बहुत सारे योग प्रतिपादित हैं। आप विजयादशमी मुहूर्त को देख लीजिए, अक्षय तृतीया को मुहूर्त को देख लीजिए, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त अपने आप में होते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में परिभाषित हैं। तो उसी में से एक मुहूर्त है या एक शब्द है जिसको हम कहें जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है आज के समय में, गुरु पुष्य योग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि गुरु और पुष्य का कहीं न कहीं पर इसमें संबंध जुड़ रहा है, इस कारण से यह गुरु पुष्य योग नामक उत्पन्न हो रहा है। तो यह गुरु पुष्य योग ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्तम स्थान क्यों रखता है, इस वर्ष गुरु पुष्य योग कब पड़ रहा है, इसकी शास्त्रों में क्या वैज्ञानिकता है, और इसमें कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, क्या कोई सा भी शुभ कर्म इसमें हम कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, उपनयन कर सकते हैं, चूड़ाकरण कर सकते हैं, कौन कौन से शुभ कर्म इसमें करने चाहिए और कौन कौन से शुभ कर्म इसमें नहीं करने चाहिए, इन सभी के विषयों में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो गुरु पुष्य योग है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें बृहस्पति, वार और पुष्य नक्षत्र दोनों का समायोजन हो रहा है। प्रत्येक नक्षत्रों का अपना अपना एक गुण विशिष्ट होता है और प्रत्येक वारों का अपना अपना एक गुण विशिष्ट होता है। जब समान गुण धर्म वाले वार और नक्षत्रों का समायोजन एक विशिष्ट तिथि को हो जाता है तो
तो उससे एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग जन्म लेता है जो गुरु पुष्य नाम से जाना जाता है। गुरुवार का स्वामी भी बृहस्पति होता है और पुष्य नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति ही होता है और पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है। तो जब भी बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो गुरु पुष्य योग बन जाता है। इस वर्ष 28 तारीख को यह योग बन रहा है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे क्या क्या इसमें शुभ कर्म करने चाहिए। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए और पुष्य नक्षत्र में कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो बृहस्पति होता है वह समस्त शुभ कर्मों का द्योतक होता है और पुष्य नक्षत्र भी जो है जितने भी समस्त शुभ कर्म हैं उन सभी का वह परिचायक होता है। तो बृहस्पति जो होता है ज्ञान का होता है, विद्या का होता है, उपासना का होता है, पौष्टिक कर्मों का होता है, राजनीति का होता है। तो इन सभी से संबंधित जितने भी कर्म होते हैं उनको इन योग में कर लेने चाहिए। गुरु पुष्य योग जब भी बनता है उनमें इसको कर लेना चाहिए। हम केवल गुरु पुष्य योग के विषय में ही जानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसे 6 योग और निर्दिष्ट हैं जिनका वार और नक्षत्रों के समायोजन से एक विशेष नामकरण किया जाता है। तो केवल गुरु पुष्य ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे योग होते हैं जो बहुत ही अपना महात्म्य स्थान रखते हैं। उसमें से पहला है चंद्रेंद्र योग, अर्थात सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र पड़ जाए तो चंद्रेंद्र योग होता है, यह भी महात्म्य को धारण किए हुआ होता है। दूसरा योग है भौमाश्विनी योग, अर्थात भौमवार को अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो भौमाश्विनी योग पड़ता है। उसी प्रकार से बुधवार को अनुराधा नक्षत्र पड़ जाए तो बुधानुराधा योग बनता है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग बनता है। शुक्रवार को रेवती नक्षत्र पड़ जाए तो भृगु रेवती नामक योग बनता है और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो शनि रोहिणी योग बनता है। तो इस प्रकार से 7 योग वार और नक्षत्रों के समायोजन से विशिष्ट नाम को धारण करते हैं और इनमें समान गुण धर्म वाले ही काम करने चाहिए। जैसे मान लीजिए भौमाश्विनी योग है तो भौम नक्षत्र भौमवार जो होता है उग्रवार होता है। वैसे हस्ताश्वी पुष्याभिजितः करके जो उसकी संज्ञा दी गई है, हस्ताश्व पुष्याभिजितक क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा, अर्थात क्षिप्र संज्ञक है और लघु संज्ञक है, लेकिन जब इन दोनों का समायोजन होता है तो इसमें समान गुण धर्म वाले ही कार्य को करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे योग जो है प्रतिपादित किए गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। तो केवल हमें गुरु पुष्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसके और भी समान गुण धर्म वाले जो है योग प्रतिपादित किए गए हैं उनको इसमें कर लेना चाहिए। अभी हम केवल गुरु पुष्य योग की ही चर्चा करेंगे, अन्य योगों की चर्चा अन्य समय में हम करेंगे। तो ये जो हमने योगों के नाम गिनाए हैं, हस्तार्क योग, चंद्रेंद्र योग, भौमाश्विनी योग, क्या आपको पता है कि जब एक विशिष्ट तिथियों में इनका संयोग होता है तो यह योग अत्यंत दूषित हो जाते हैं और इनकी संज्ञा जो है, इनका जो शुभत्व है वह अशुभत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विषय में भी आप सभी को जानना चाहिए कि कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में यह योग यदि पढ़ते हैं, गुरु पुष्यादि योग, हस्तार्क योग, तो वह दूषित हो जाते हैं। तो इस विषय में हमारे आचार्यों ने मुहूर्त चिंतामणिकार रामदेवज्ञ ने कहा है कि वर्जयत सर्व कार्येषु हस्तार्कम पंचमी तिथौ, अर्थात हस्तार्क योग मतलब रविवार और अर्क नक्षत्र मतलब हस्त नक्षत्र यदि पंचमी तिथि को पड़ जाए तो वह दूषित माना जाता है। हस्तार्क योग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि गुरु पुष्य योग के जगह पर रवि पुष्य योग भी कहते हैं, वह भी अपने स्थान पर सत्य है, लेकिन जो गुरु पुष्य योग का जो महात्म्य है उससे कम महात्म्य रवि पुष्य योग का होता है। और यदि पुष्य नक्षत्र सोमवार को भी पड़ जाए तो योग तो अच्छा बनेगा, लेकिन जो गुरु पुष्य योग में जो शुभत्व होता है वह शुभत्व उसमें नहीं रहेगा। तो हस्तार्क योग यदि पंचमी तिथि को पड़ जाए तो वह दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से चंद्रेंद्र योग षष्ठी तिथि को पड़ जाए तो दूषित हो जाता है। भौमाश्विनी योग सप्तमी को पड़ जाए तो दूषित हो जाता है। बुधानुराधा योग अष्टमी को पड़ जाए तो दूषित हो जाता है। और गुरु पुष्य योग नवमी तिथि को पड़ जाए तो वह अपने शुभत्व को खो देता है और मधुसर्पिष योग बन जाता है। इसको हम हालाहल योग भी कहते हैं और विष योग भी कहते हैं। तो यह गुरु पुष्य योग यदि नवमी तिथि को पड़ जाए तो वह समस्त शुभ कर्मों में त्याज्य हो जाता है। तो इस वर्ष अर्थात जनवरी मास में जो 28 तारीख को गुरु पुष्य योग पड़ रहा है वह पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है, तो उसका कोई अशुभत्व दोष हमें नहीं प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि को लगभग 1 बजे तक भद्रा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को पूर्वार्ध में भद्रा का वास होता है। इस कारण से 1 बजे के पश्चात आप कोई सा भी शुभ कर्म कर सकते हैं। यह स्थानीय समयानुसार अलग अलग होता है, तो आपको अपने अपने स्थान के अनुसार जो पंचांग है उसका अवलोकन अवश्य करना चाहिए
इसी प्रकार से अनेक योग बताए गए हैं और किन किन का समायोजन कैसे होता है, तो इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि गुरु पुष्य योग जो होता है वह नवमी तिथि को न पड़े, यदि नवमी तिथि को पड़ता है तो उसका शुभत्व समाप्त हो जाता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस गुरु पुष्य योग में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बृहस्पति जो होता है ज्ञान का कारक होता है, विद्या का कारक होता है, गुरु का कारक होता है, आध्यात्म का कारक होता है, तो इन सभी से संबंधित जितने भी शुभ कर्म हैं आप उसको कर सकते हैं। मतलब देव दर्शन करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई विद्या का आरंभ करना हो तो आप कर सकते हैं, किसी एकेडमी में आपको पढ़ने जाना है या कोई स्कूल का उद्घाटन करना है या फिर कोई आपको दुकान का उद्घाटन करना है तो वो सारे काम इसमें कर सकते हैं। किसी राजनेता का दर्शन करना हो या फिर शपथ इत्यादि लेना हो तो उन सभी में भी इन योगों का बहुत ही महात्म्य कहा गया है, क्योंकि दोनों जो है नक्षत्र अच्छे हैं, पुष्य नक्षत्र भी अच्छा है और गुरुवार भी अच्छा है, तो इन दोनों का समायोजन जब हो जाता है तो अत्यंत शुभत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे कर्म इसमें कर लेने चाहिए। लेकिन गुरु पुष्य योग में विवाह कथमपि नहीं करना चाहिए। वैसे तो पुष्य नक्षत्र में विवाह होता ही नहीं है, परंतु बृहस्पतिवार को तो होता है, तो नक्षत्रों में ग्राह्यत्व न होने के कारण अर्थात विवाह संस्कार पुष्य नक्षत्र में नहीं होता है, इस कारण से गुरु पुष्य योग में हम विवाह नहीं कर सकते हैं और चूड़ाकरण भी नहीं करना चाहिए और उपनयन भी नहीं करना चाहिए इस गुरु पुष्य योग में। इसके अतिरिक्त जितने भी समस्त शुभ कर्म होते हैं उन समस्त शुभ कर्मों को गुरु पुष्य योग में जो है निर्माण उसका कर लेना चाहिए। उससे क्या है कि हमारा जो कार्य होता है वह क्षिप्र ही सिद्ध हो जाता है, अर्थात तुरंत ही वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस गुरु पुष्य योग में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अच्छी बात है कि जो मंदार्क गणपति होते हैं, जो अर्थात जो मंदार्क का जो वृक्ष होता है, जब वह 12 वर्षों का हो जाता है तो उसके जड़ में भगवान गणपति की स्वयं निर्मित मूर्ति निकलती है। तो इस गुरु पुष्य योग में उस मूर्ति को, उस वृक्ष के जो जड़ में जो भगवान गणपति की प्राकृतिक रूप से जो मूर्ति बन जाती है तो उसको भी इस मुहूर्त में निकाल लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत सारे जो साधक लोग हैं इस दिन अपनी साधना को पूर्ण करते हैं, इस दिन अपनी जो उनकी सिद्धियाँ होती हैं उन सिद्धियों को वह जागृत करते हैं। तो समस्त शुभ काम दैनिक उपयोग वाले, भूमि का क्रय करना है, वाहन का क्रय करना है, पूजन करना है, चाहे कोई सा भी समस्त शुभ कर्म है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन दैनिक व्यवहार वाले जो आपके कर्म हैं उनको आप गुरु पुष्य योग में कर लीजिए। तो इस प्रकार से गुरु पुष्य योग का जो महात्म्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो बहुत ही अच्छा महात्म्य है। प्रत्येक वर्षों में लगभग 12 तो पुष्य नक्षत्र 12 बार तो आ ही जाते हैं और जो वार है वह 52 बार तो आ ही जाता है, तो कभी न कभी इन दोनों का समायोजन हो जाता है। जैसे अभी 1 जनवरी को शुक्रवार था, उसके पहले बृहस्पतिवार का संयोग पुष्य नक्षत्र के साथ हो रहा था, तो उन दोनों का समायोजन कहीं न कहीं हो जाता है तो वह अत्यंत शुभत्व को प्राप्त होता है। तो इस वर्ष जो जनवरी मास में 28 तारीख को जो गुरु पुष्य योग पड़ रहा है वह बहुत ही महात्म्य को धारण किए हुए है। आप कोई सा भी शुभ कर्म करना है आप उसमें अवश्य करें। तो इन सभी विषयों के साथ, शास्त्रीय विषयों के साथ हमने बताया कि गुरु पुष्य योग का क्या महात्म्य है, किस स्थितियों में यह अशुभत्व को प्रदान करने वाला होता है और इसका क्या क्या उपयोग ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो आप इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा है, कोई भी आपके प्रश्न हैं तो कृपया आप उन्हें हमें जरूर भेजें, हम उनको उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर नए विषय को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।